Hi Vinod sir, welcome to the Quint. Thank you so much, Abira. जब लॉकडाउन शुरू हुआ, किसी ने नहीं सोचा था कि इन माइग्रेंट्स के साथ क्या होने वाला है। आपको कब रियलाइज हुआ या हिट किया ये बात कि ये क्या हो गया? जिस दिन से लॉकडाउन हुआ, उसके अगले दिन से मैंने देखा कि बहुत सारी तस्वीरें टेलीविजन पर और मीडिया पर थी, जिसमें हजारों मजदूर सड़क पर थे। उसमें कहानियां सुनने को मिल रही थी, कोई 700 किलोमीटर, कोई 800 किलोमीटर, कोई 1000 किलोमीटर जा रहा है, कोई पैदल जा रहा है, कोई साइकिल से जा रहा है। तो मन में एक सवाल था बीरा, और वो ये सवाल ये था कि ये लोग जो जा रहे हैं, इनको ये क्या घर पहुंच पा रहे कि नहीं पहुंच पा रहे, और घर पहुंच रहे तो कैसे पहुंच रहे, इनको रास्ते में क्या तकलीफें हो रही है, इनको इनको कहीं खाना मिलता है कि नहीं मिलता है, इनको पानी पीने को मिलता है कि नहीं मिलता है, इनको रात को सोने को मिलता है कि नहीं मिलता है, इनकी साइकिल खराब हो जाती तो ये क्या करते हैं, ये बीमार हो जाते हैं तो ये क्या करते हैं। तो ये बहुत सारे सवाल मेरे मन में थे, और मैंने इसको लेकर के 3-4 बार अटेम्प्ट किए, 3 बार मैंने कोशिश की इनके साथ जाने की। और जो मेरा पहला अटेम्प्ट था, उसमें मैं एक माँ, उसके 3 बच्चे, वो करीब 500 किलोमीटर दूर कानपुर जा रहे थे दिल्ली से, उनके साथ मैं गया था। लेकिन आधे रास्ते के बाद उनसे वो अचानक मेरी संपर्क से वो टूट अलग हो गए। वो यात्रा करीब 200-250 किलोमीटर तक वो यात्रा रही वो, लेकिन वो बहुत ही दर्दनाक यात्रा थी मेरे लिए, और शायद आपको याद होगा। लेकिन वो यात्रा, पूरी की पूरी यात्रा, द क्विंट ने उसको बहुत अच्छे से, उसको 10 मिनट का एक छोटा डॉक्यू बना करके क्विंट ने शेयर किया था। और उसके बाद एक मन में टीस थी, क्योंकि मैंने वो यात्रा अधूरी मेरी रह गई थी, और इस तरह की 2 अटेम्प्ट और मैंने किए, हर बार अधूरे रह जाते थे। या तो हमको डर रहता था कि हम लोग को वायरस हो जाएगा, हम लोग को मतलब हम लोग कोविड से कोविड हो जाएगा, और साथ में क्रू को लेकर भी डर था। और लेकिन मुझे एक मन में जरूर था कि मुझे एक यात्रा तो जरूर पूरी करनी है, क्योंकि ये इस वक्त जो हो रहा है वो इतना बड़ा एक्सोडस शायद 1947 में हुआ होगा, जब हजारों की भीड़, हजारों की तादाद में लोग सड़कों पर निकले हुए हैं और अपने घरों को जा रहे हैं। तो मुझे लगा कि ये डॉक्यूमेंट होना बहुत जरूरी है, चाहे इसकी कीमत कुछ भी चुकानी पड़े। जैसे आपने बोला कि आप उनके साथ ट्रैवल किए हैं, जो डॉक्यूमेंट किए हैं, मुझे आप बता सकते हैं इस जर्नी के बारे में सबसे ज्यादा चैलेंजिंग क्या रहा है, और यू नो डीलिंग, जैसे बोलते हैं ना, इमोशन से डील करें कि फिजिकल फटीग से डील करें, उसमें से कौन सा सबसे ज्यादा डिफिकल्ट रहा है? एक जो सबसे बड़ी चिंता अपने हमारे जहन में ये थी, वो ये थी कि देखिए, हम लोग को, जर्नलिस्ट को, फिल्म मेकर्स को, डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर्स को, हम लोग को, सब लोग बोलते हैं कि आप लोग जो काम करते हैं वो वल्चर्स की तरह काम करते हैं। मतलब आपको दूसरे का कोई दुख होता है, उसको कैप्चर करने में आपको ज्यादा फायदा मिलता है। तो वो एक बहुत बड़ा डर था जहन में, क्योंकि एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हमारी आंखों के सामने अनफोल्ड हो रही थी, और उस ट्रेजेडी को हम कैप्चर कर रहे थे। तो एक बड़ी दुविधा थी कि हमको किस हद तक अपने अपना काम करना है, और किस हद तक हमको ह्यूमन ह्यूमन बने रह करके काम करना है। तो ये एक, तो हम लोग अपने मन में एक बात को लेकर के बहुत ज्यादा डरे हुए थे, और वो ये था कि क्योंकि रास्ते में हम लोगों ने कितने सारे इंसिडेंट सुन चुके थे, महाराष्ट्र में 16 मजदूर ट्रेन से कट के मर गए थे, कई जगहों पर ट्रकों ने कुचल के रख दिया था। तो हम लोग एक चीज को लेकर बहुत घबराए हुए थे कि जिनके साथ हम जा रहे हैं, इनके साथ कोई हादसा ना हो, इनके साथ किसी तरह की कोई ऐसी अनहोनी ना हो जिसकी वजह से हम पूरे जीवन अपने को माफ ना कर पाए। क्योंकि हम लोगों ने अपने एक नियम बनाए थे इनके साथ अपना काम करने के, हम लोगों ने इनसे कहा था कि हम 1 घंटे में आपके साथ सिर्फ 10 या 15 मिनट ही रहेंगे, और आप लोगों को दूर से ही हम लोग शूट करेंगे, आपके बिल्कुल पास नहीं आएंगे, आप लोगों को जो काम अपना, जैसे आपको साइकिल चलानी है, जहां रुकना है आप रुकिए, हमारी वजह से आपको कोई तकलीफ नहीं होने वाली। लेकिन साथ ही साथ एक बात ये जरूर थी कि जब आप एक फिल्म मेकर होते हैं या जर्नलिस्ट होते हैं, तो आपके अंदर एक इंसान भी होता है। एक रात तो एक लड़का है, उसका नाम है मुकेश, करीब इन लोगों को 16 घंटे से खाना नहीं मिला था, हम लोगों ने भी बहुत कोशिश की, खाना नहीं मिला था, हमने इनको कुछ बिस्किट्स और कुछ केले इनको दे दिए थे, लेकिन उसके बाद भी वो काफी नहीं था।
वो लड़का बेहोश हो गया रात को, साइकिल चलाते चलाते वो गिर गया। तो फिर हम लोगों ने उसको अपनी कार में बिठाया और उसको जहां तक हम लोग जा सकते थे उसको लेके गए। जहां जहां इनकी साइकिल पंचर हो जाती थी वहां पे इनकी साइकिल को हम लोग अपनी कार में अपने कार में डाल देते थे, क्योंकि सात लोग थे तो सातों को तो हम लोग नहीं कर सकते थे, क्योंकि हमारे पास ही बहुत छोटी सी कार थी, वैगन आर। हमको टैक्सी उस वक्त किसी ने भी हमको टैक्सी देने से मना कर दिया था, क्योंकि कोविड की वजह से कोई भी टैक्सी चल नहीं रही थी और सब लोग ने मना कर दिया था। तो हमारी भी अपनी एक लिमिटेशन थी, लेकिन एक कोशिश ये जरूर थी कि हम अपना काम करें। लेकिन उस काम में हम लोगों ने एक चीज को बहुत इंश्योर किया कि अगर कहीं पे इनके साथ क्राइसिस है तो उस क्राइसिस में हम खड़े होंगे, चाहे उसके बाद हमारी फिल्म बने या ना बने। मतलब एक कॉन्शियसली हम लोगों ने इसको तय किया हुआ था कि ऐसा हम करेंगे, और ऐसा हमने रास्ते में कई बार किया। देखिए, ये जो रियल लाइफ कैरेक्टर्स है, आपके एक्टर्स तो नहीं है, ये रियल लाइफ कैरेक्टर्स है जिसको आपने डॉक्यूमेंट किया। अगर आप फिल्म बनाते, आप अपने एक्टर्स को पे करते हैं अपने फिल्म के लिए, आपने इन रियल लाइफ कैरेक्टर्स के लिए क्या किया है पर्सनली? आपने उनको पे किया है या उनको पे करने वाले किसी और तरीके से हेल्प किया है, ऐसा कुछ हुआ है? हाँ, मैंने मतलब क्या मैं उसके बारे में कहूँ, लेकिन ये ठीक है आपने पूछा तो मैं इसको जरूर कहूँगा। मतलब ये सातों लोग अब एक तरह से मेरी जिंदगी का और मेरे परिवार का एक हिस्सा है, और हमने जब ये तय किया कि ये जो डॉक्यूमेंट्री हम कर रहे हैं और ये हॉटस्टार पे जा रही है, तो उसके बाद मैंने उनको बताया कि मैं इस डॉक्यूमेंट्री से जो भी कुछ मुझे आप लोगों से मिलेगा इसका एक अच्छा खासा हिस्सा इन मजदूरों को देना चाहता हूँ। तो उसका एक बड़ा हिस्सा हमने इन मजदूरों तक पहुंचाया, सब लोगों के लिए एकदम सब लोग एकदम हैरान थे कि उनको लगा कि ये क्या हो गया उनकी लाइफ में, ये कैसे हो गया। और दूसरा, मैं इसी मेरी यात्रा पर मेरी किताब आ रही है इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, तो उसमें हमने तय किया कि उस दोनों किताबों से जितनी भी हमारी अर्निंग होगी वो सारी की सारी अर्निंग हम इन्हीं मजदूरों के जीवन में और इनके लिए देंगे। ये भी हम जो कर रहे हैं ये भी बहुत कम है, और ज्यादा हमको करना चाहिए। मेरे लिए वो यात्रा सिर्फ घर पहुँचाने तक की नहीं थी, अब वो जीवन भर की यात्रा है और वो जीवन भर साथ में। जब आप लोग ने ये डॉक्यूमेंट शुरू किया था तब तो एकदम कोविड का मतलब कोविड एकदम बहुत ही रेज में था, तो आप लोगों ने एज अ टीम, आपने कितने लोग थे आपके टीम में जो आप लोग ट्रैवल कर रहे थे, आपने बताया वैगनार में, क्या क्या प्रिकॉशंस लिया था आप लोगों ने और क्या क्या मुश्किलें आई थी? सबसे पहले तो हमको दिक्कत ये हुई कि हमारे कोई भी क्रू हमारे साथ आने को तैयार नहीं था। मतलब जो एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म करनी तो उसके लिए कम से कम 7 से 8 लोगों का क्रू तो मिनिमम चाहिए आपको, अच्छी कार रहना बहुत जरूरी था क्योंकि इतना लंबा डिस्टेंस था। पर हम लोगों ने उसकी परवाह नहीं की, हमने कहा कि चलो ये रिस्क है, रिस्क लिया जाएगा। तो हम लोग दो ही लोग थे, मैं और मेरा असिस्टेंट, और हम ही लोग साउंड भी करते थे, हम ही लोग कैमरा भी करते थे, हम ही लोग डायरेक्शन भी करते थे। जो दिक्कत आती थी वो ये आती थी खासतौर पर रात को रुकने की और खाने पीने की, क्योंकि सारे होटल्स वगैरह सब बंद थे। और होता ये था कि जैसे हम लोग ढाबे में ही पहुंचते थे तो ढाबे वाले ये कह करके हमको मना कर देते थे, को लगता था कि हम लोग दिल्ली से आ रहे तो जरूर हम लोग कोविड वायरस अपने साथ कैरी कर रहे होंगे, और हमारे से ज्यादा दिक्कत मजदूरों को रहती थी। लेकिन हम लोगों ने फिर एक रास्ता निकाला, और वो रास्ता ये था कि जो फ्रूट्स थे स्पेशली बनाना और एप्पल, ये सब अवेलेबल था। तो हमने सोचा कि ये एक अच्छा रास्ता है जिसके जरिए हम लोग अपनी एनर्जी भी रख सकते हैं और साथ में आगे भी बढ़ सकते हैं। उसी सफर में कई लोग ऐसे भी आए, जैसे एक बिसौली में बदायूं से पहले एक छोटा सा चाय की दुकान वाला था नंदलाल, उसको पता चला कि ये लोग मजदूर जा रहे हैं, तो उसकी छोटी सी चाय की दुकान थी, तो उसने इन लोगों के लिए 30-40 समोसे बनाए सुबह सुबह, जब उसको पता चला कि ये सब लोग जा रहे हैं, और 30-40 समोसे बना दिए। और उसने कहा कि ये, हम लोग बड़े हैरान हुए, मैंने पूछा खोल सकते हैं क्या ये दुकान, बोले नहीं नहीं खोल नहीं सकते। तो मैंने कहा इतने समोसे बड़ा क्यों बना दिया आपने? बोला भाई साहब अभी लोग जा रहे हैं तो बताइए क्या खाएंगे, तो कम से कम दोपहर तक का तो इनका हो जाएगा। तो ऐसे ही लखनऊ में भी पहुंचे तो एक यूथ हॉस्टल चलाने वाले एक लड़के को पता चला कैसे मजदूर जा रहे हैं दूर, तो उसने रात को अपना यूथ हॉस्टल के कमरे इनके लिए खोल दिए कि सर आप इनको बोलिए कि हमारे हॉस्टल में आके रुक जाए। तो बहुत सारे लोग खुद ही मदद का हाथ बढ़ा रहे थे, लेकिन शुरू में 2-3 दिन बहुत दिक्कत हुई। अथॉरिटीज रोकती थी, इनको भी रोकती थी, हमको भी रोकती थी, लेकिन चूंकि हम लोग जर्नलिस्ट थे, हम लोग के पास एक्सेस थी कोविड में काम करने की, तो उस वजह से दिक्कत नहीं हुई। Did you feel that ये lockdown जो हुआ है वो better handle कर सकते थे हम लोग as
अ कंट्री. मुझे ये लगता है कि जिस वक्त वो हालात थे अदीरा, जिस वक्त वो हालात थे और जिस तरह से कोरोना के केसेस बढ़ रहे थे, मुझे लगता है कि उस वक्त कोई भी सरकार होती उसके पास लॉकडाउन के अलावा कोई और विकल्प था नहीं. डेली वेजर्स है जिनको डेली काम को सुबह काम करना है, शाम को खाना है, जिनको अपने किराए देने हैं, घर का राशन रोज लाना है. मतलब जो दिन में 300 रुपये कमाएंगे तभी उनका रात का चूल्हा जलेगा, नहीं तो उनका चूल्हा नहीं जल सकता. मुझे बस ये लगता है कि हाँ, वो उनको उनके बारे में जरूर सोचा जाना चाहिए. बाकी हम लोगों ने समाज के हर हिस्से के बारे में सोचा, लेकिन जो एक बहुत बड़ा हिस्सा था वो शायद इसमें मिस आउट हुआ. थैंक यू सो मच विनोद जी फॉर टॉकिंग टू अस. थैंक यू.